तो खलीलजादा के घर से लेकर के रहमान के घर तक पूरे रास्ते पे बोले सब लोग चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैंने जैसे बोला कि हमने भी उतना ही देखा था जो अहले खानदान ने जो देखा था, लेकिन कल उनके गुजर जाने के बाद जब उनकी बातें हमने भी सुना तो यकीन जानो हमको भी ये बातें मालूम नहीं थी। और ये अखिल चाचा को और परिवार को उन्होंने बोले कि इसके ऊपर बच्चियों का यतीम खाना आपको बनाना है, और बोले पैसा किसी से चंदा जमा नहीं करना है, अपने परिवार के रुपया पैसा से अपने को बच्चियों का यतीम खाना तामीर करना है और उसकी देखरेख पूरा परिवार करेगा। दूसरी बात, एक बड़ी मस्जिद की जमीन भी उन्होंने अलग करके गए, वो अखिल चाचा को बताया कि ये मस्जिद की जगह रहेगी, यतीम खाने की जगह रहेगी, और ट्रस्ट भी बना चुके हैं। मैं इरफान अली आबिद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और ताज़ियत मसनूना पेश फरमाएं। इरफान अली आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुश्क अगर बोले मैं मुश्क हूं तो वो मुश्क नहीं है। खलील दादा ने जो कल पूरा शहर जानता है और खुद बताया, खुद शहर ने बताया कि वो खुद मुश्क है, वो मुश्क थे। और हम तो साथ के उनके बचपन से, मेरे 3 साल बड़े थे, मैं जलील दादा हम उम्र के, बहुत सारे वाकया हैं उनके, बहुत सारी बातें हैं जो कल शहर भर ने देखा। प्यार मोहब्बत, लोगों की तड़प, लोगों का एहसास, ऐसे कम लोग होते। हम जैसे दोस्तों ने भी उनसे बहुत सारी चीज़ सीखी है, समझी है, जानी है, और अक्सर हमारी बातों में बड़े भाई को लेके बहुत सारी बातें होती थी। संगत और माहौल का भी बहुत बड़ा असर होता है। और इतने लोगों को याद रखना, एक एक की फिक्र रखना, एक एक के बारे में मालूमात लेना, बता नहीं सकता मैं। और ये अल्लाह ताला सबको नहीं देता है, ये अल्लाह तरफ की बहुत कम लोगों की देन होती है। जो ऐसे में एक हमारा भाई था जिसको अल्लाह ने ऐसी देन दिया था, यानी जो दोस्त ऐसा भी है कि जैसे हम तो बचपन से सुख दुख जो भी रहा साथ रहे, साथ घूमे, साथ फिरे, हर एक दूसरे की सच्चाई हकीकत से जानने समझने वाले लोग हैं हमारे साथ में। और ख़ास तौर से ये चीज़ थी उनमें कि वो छोटा हो या बड़ा हो, नज़र और इज्जत जो है देखने की वो एक जैसी थी। जैसे अभी बोला गया कि खलील दादा, अल्लाह ताला ने वो भी एक गॉड गिफ्ट उनको मिला, वो लकब भी जो, वो नाम भी जो है, वो दादा और लोग अलग समझते होंगे, लेकिन जैसे हमारे बताए कई लोगों ने कि उसका ट्रांसलेटर बड़े भाई को दादा बोलते, वाकई में यानी अल्लाह पाक ने उस खानदान में, उस घर में, जैसे और भी भाई हमारे, लेकिन अल्लाह जाहिर सी बात एक माँ बाप से, सब एक ही खून से, लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को ये सारे चीज़ें भाइयों में भी नवाजता है। तो कदम से कदर जो माहौल का जो है, जैसे बड़े साहब हमारे रशीद भाई, वही अक्सर बड़े भाई की बातें, बड़े भाई की सारी चीज़ें, बड़े भाई की सारी मोहब्बतें, आदतें, उनसे सीखते सीखते हम सब लोगों ने भी उसका अमल किए, और हम सब लोग भी उसका अमल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से, और सही मोहब्बत, असल मोहब्बत अहले खानदान से, अहले दोस्त से, हम सभी से बोलना है कि सामने तो जिसको हम चापलूसी बोलते हैं, लेकिन असल मोहब्बत मरने के बाद है। और वो मोहब्बत जो है वो तो हमारा ईमान है कि वो एक दिन का हो कि 100 साल का हो, मौत से तो जाहिर सी बात है। हम 2 घंटा बैठे, जिस दिन हम लोग गए
उनसे मिलने के लिए मुस्लिम भाई माए रमजान हाजी मुश्ताक डेढ़ दो घंटा हम बैठे, तो एहसान अपने अल्ताफ हमारे साथ बैठे थे, फिर हम लोग काफ़ी दोस्ती हमारी बातचीत चली है। तो कुछ बातें ऐसी थी जो उनसे सीखने और समझने वाली बातें थी, और कुछ वाकई में ऐसा नहीं कि यानी हम यानी मैं दोस्त होने के नाते पार्टी के नाते मैं उनकी कोई चापलूसी या तारीफ कर रहा, मैं इसके लिए स्टार्ट ही बोला कि मुश्क को नहीं बोलता हूँ कि मैं मुश्क हूँ, लोग बोलना चाहिए कि मुश्क है। और वो कल लोगों ने शहर भर में देखा, अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब लोग अगर उनकी वजह से अहले खानदान हम सब दोस्तों का हम सब लोगों का ये हक बनता है मोहब्बत रखते हैं तो किसी का भी दिल दुखा होगा। तो उनसे हम सब लोगों ने ये शरीयत बोलती दीन बोलता हमने माफ़ी मांगना चाहिए, हमारे घर के लोग हमारे सब दोस्तों के हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हुआ है ऐसा उलमाए कराम का हमारा अपना दीन बोलता है, और ऐसे लोगों की गवाही जो है वो तो कल खुद दिख के आई कि जन्नती लोग हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अदा फरमाए। लेकिन ये हम सब को करना है, उनकी तरफ से उनके जो भी होगा या हमारी मालूमात में होगा वो या नहीं बोल पाए होंगे या नहीं हो सकता है, किसी का दिल दुखोगा किसी का ये होगा, ये ज़रूरी है, वो हम सब का फर्ज बनता और हमने उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। तो अल्लाह उनको कब्र में जो दुनिया अल्लाह उनको कब्र भी नवाजेगा वैसे इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। और ज़मीन के मामले में तो मैं ऐसा बोलता कि शायद यानी वो बड़े जुमले हो जाएंगे, लेकिन जैसे सैयद मुस्लिम साहब ने बोला वाकई में एवार जिसको बोलते धंधा जिसको बोलते व्यापार जिसको बोलते ईमानदारी जिसको बोलते हक हुकूक जिसको बोलते, तो उसे खलील साहब में जो है हम उनके छोटे भाई थे दोस्त भी थे, लेकिन वाकई में उन्होंने कई चीज़ें ऐसी जो है और उसमें बहुत बरकत है बहुत बरकत है। अल्लाह ने उनको जो है अगर किसी की समझ होगी तो वो दिमाग से निकाल ले, अगर अल्लाह देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उनकी ईमानदारी उनकी सच्चाई और उनका हक जो हक बातें और सच्चाई ईमानदारी जो उनके ज़मीन के धंधे में थी मैं बता नहीं सकता आपको, वो सारी बातें थी वो सारी चीज़ें थी। अगर व्यापार में अगर किसी ने उनके मामले के अंदर अगर मालूम पड़ गया कि कोई दलाल ने या कोई ऐसे व्यापारी ने 19-20 बातें की तो उसकी खैर नहीं रहती थी, वो साफ बोलता था मुझसे ले ले, लेकिन ये काम नहीं। और वो इज्जत गांव का बड़े से बड़ा व्यापारी हुआ जमीन के बड़े गरीब से लेकर अमीर तक खलील भाई का नाम अगर जमीन में अल्हम्दुलिल्लाह तो वो ये पूछेगा भी नहीं हो कि वो जमीन में क्या है और क्या नहीं है, ये इज्जत ये गुडविल जमीन में बोले तो आज मामूली बात नहीं है। और ये सारी चीज़ों को आज तो हम अगर छोटे मोटे व्यापारी छोटा मोटा कारोबार दुनिया भर के अकड़ दुनिया भर के मसले मसाइल अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा था, लेकिन कभी अपने आप में अल्लाह ने उनको घर में ऐसे बड़े भाई दिया ऐसे भतीजे दिया ऐसे परिवार दिया, लेकिन उनको कोई तकब्बुर कोई गवैया उसका गैर भैया उसके गैर चीज़ें अल्लाह ने उनको सब चीज़ से वो करने के बाद दी, वो खलील भाई थे। व्यापार धंधा और ये तो हमारे लिए जो है बहुत सारी चीज़ उन्होंने ऐसी छोड़ गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कल आते आते बहुत यानी मुस्लिम मेरे को बोला यार बहुत लोग यानी बहुत अपने आप को वो कर रहे थे, लेकिन एक जगह साथ में थे लेकिन हम लोग इतना बर्दाश्त के बाहर हुआ कुछ। तो आदमी की मोहब्बत है वो आदमी की कुछ सारी बातें है। मैं कुछ दरमियान में मैं मुस्लिम भाई को बोला मतलब बोलना नहीं जा लेकिन उनको बोला कल गाड़ी में तो मैं थोड़ा नाराज चले नाराज बोला तो मेरे बड़े भाई से वो परिवार है घर है मेरा आसिफ भाई है वो जो बोले मैं एक लफ्ज मैं गलत नहीं बोला मैं आज ऐसा जुमला बोलूँगा लेकिन बहुत बड़े दिल के इंसान भी थे वो इतनी मोहब्बत से रशीद साहब आसिफ से परिवार से भी बता नहीं सकता। हम ऐसे दोस्त थे तो मेरे को बोले देखो क्या क्या होना बोल मेरे को वो जिंदगी में कभी साहिब को आसिफ को मैं मुस्लिम बोला कल रह नहीं गया मैं किसी दोस्त से नहीं या किसी बात से नहीं
यानी हर चीज की फिक्र रखने वाले इंसान थे। सिर्फ ये नहीं, उनका मकसद धंधा था, पैसा कमाना था, दादागिरी करना था, या ये सारी चीजें उनका वो नहीं था। जैसे रहमान बरन हमारे मुखालिफ भी थे, लेकिन हमारे साथ के थे, दोस्त थे, वो सब चीजें उनमें वो नहीं। तो वो जज्बा, वो सारी चीजें, देखो क्या है तुम मुझसे बोला तुम, मैं ना, यानी उनका एक वो था। हम जानते हैं, हम देखते आए, भाइयों में मोहब्बत, बच्चों में मोहब्बत, मेरे आगे कोई है बोला दादा इसे, अरे मैं उनको बोल रहे दादा, बोला बोले यार तू देख। तो वो कभी मैं साहब से, कभी आसिफ भाई से डिस्कस, मैं कल मुस्लिमपुर भाई बात बोलते बोलते मेरे आंख से आंसू निकल गए कि ये जो चीजें है, अल्लाह ने हमको 3 महीने, हम तो बचपन से साथ रहते आ रहे, लेकिन मालूम नहीं 3 महीने से इतनी बातें, इतने खाने, इतने सारे। हमारा ईमान है कि मौत है तो उसको कोई, अल्लाह ने सारी चीज से वो किया था, कोई खिदमत से, घर के लोगों ने, बड़े भाई से लेके सब भाइयों ने, सब बच्चों से लेके किसी ने कोई कभी नहीं, इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह के आगे वो, कल उनका ही जुमला था, मुस्लिम बोला था ना कि जब मौत अगर आ जाए, ये जुमला था इंतकाल, वो जैसे बोला कि जो स्विंग डालेगी 7 लाख रुपए की, बोले जुमेरात के दिन ये बात बोले हो, हम लोग को मुस्लिम में मुस्ताक, हम लोग 4 में, लेकिन बोले यार 7-8 अगर मौत आ गई तो बोले कोई था। सबसे बड़ा वो है डॉक्टर, सबसे बड़ा वो है, देखो बहुत बातें उनकी यार, ये उसकी गवाही है कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अदा फरमाए। हमारी दुआ उनके साथ, और हम तो मैं तो सबसे ही बोलने वाला है, बड़ों से और बच्चों से और हमारे सभी भाइयों से, कि सही मोहब्बत है तो हमको एक साथ रहना है, एक साथ जुटना है, एक साथ चलना है। कभी ये महसूस नहीं करना इंशाल्लाह कभी, तो शेख रशीद साहब से खलील लादा हम लोगों ने सबने सीखे ना, कभी उसी कभी न कभी महसूस, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वैसी कल निभाई भी, वैसा चले भी। अल्लाह उनके पूरे अहले खानदान को हिम्मत ताकत दे, हर कोई अल्लाह ने तुमको दोनों ने इतनी सारी चीजें, इतने सारे रास्ते, इतने सारे बच्चों को, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे ऐसे जिनका शहर की रहनुमाई कर रहे, सर की सरपरस्ती कर रहे, उनके साथ तुम रहो, कि सारे नक्श कदम, सारी चीजों को आप लोगों ने जाने हैं, बस उसका अमल करना है, उसका पालन करना है और सही उस पर उतरना है, जैसे उन्होंने चले। दुनिया क्या बोलती, कौन क्या बोलता, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा लोग चाहने, मानने, मोहब्बत करने वाले आपसे भी, अहले खानदान से भी, दादा से भी। फिर मैं अल्लाह के बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मफ़त करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम। अस्सलाम वालेकुम। शेख खलील साहब की जो मुख्तसर सी सियासी जिंदगी और कारकर्दगी थी, उसके गवाह भी है असलम अंसारी साहब, इसलिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उस एतबार से अपने ताज़ती तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस फाइजे की नसीहत के, कल मालेगांव शहर ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो रात को 3 बजे और 4 बजे तक कब्रिस्तान के पास डटी रही, और कानों ने ये सुनता रहा कि खलील दादा ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं खलील दादा को बहुत सालों से नहीं जानता, 2007 में मैं पहली बार कारपोरेशन का इलेक्शन चुन के आया, मेरे साथ खलील दादा भी चुन के आए, हम लोग साथ में सफर किए, साथ में रहे, और साथ में रहने के बाद जब मालेगांव आए, यहाँ पे मेयर चुनाव हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, दादा को स्टैंडिंग कमेटी का पहला चेयरमैन बनाया गया, और स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी सदस्य बोल के था। खलील दादा, पूरा शहर खलील दादा कहता है, मैं खुद शेख रशीद साहब खुद भी खलील दादा बोलते हैं। अब दादा क्यों बोलते हैं ये मुझे मालूम नहीं, बड़े भाई को दादा बोलते हैं ये तो आम बात है, लेकिन खलील दादा को शेख रशीद साहब की दादा बोलते थे क्यों मालूम नहीं। लेकिन खलील दादा ने ये साबित कर दिए, खलील दादा ने अपनी पूरी जिंदगी में साबित किए
कि दादा बड़े भाई को नहीं छोटे भाई को भी कहा जा सकता है, जिसका जैसा फन रहता है वैसे उसकी मिसाल रहती है। खलील दादा कभी भी यहां बैठे हुए लोग कल कब्रिस्तान में उनकी मैयत में जितने भी लोग आए एक भी बोल नहीं सकते कि खलील दादा ने किसी को रोड़ के बेच ऐसे बोला हो, तो गाली गलौज की तो बात ही बहुत दूर है। अगर वो सुन लेते थे कि किसी का झगड़ा हुआ तो झगड़े को बढ़ावा देने से बेहतर ये करते थे दोनों को बुला के समझा के उनको आपस में मेल मिलाप करते थे। यहाँ पर जितने लोग भी उससे पहले अभी बोले सबकी आंख से आंसू निकल आए कि खलील दादा ने उनके साथ क्या रवैया इस्तेमाल किया, उनका रवैया खलील दादा के साथ क्या था। एक आदमी आज मैं कारपेटर था, सेक्रेसी साहब मेयर थे, अगर हम रोड गटर बनाए तो हमको लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन खलील दादा उस पीछे 5 साल कारपेटर थे और अगर उन्होंने कारपेटर रहते हुए और चेयरमैन रहते हुए शहर का काम किया, कारपेटर रहते हुए अपने वार्ड का काम किया, तो तारीफ तो उतने लोग ने करना चाहिए था। लेकिन कल जैसा पूरा शहर उल्टा था, बाहर गांव से लोग आए हुए थे, तो ऐसी क्या बात थी खलील दादा में। खलील दादा को जो भी यानी दूर से जानता था कि खलील दादा है, अगर करीब आते थे तो वो दीवाने हो जाते थे। मैंने बहुत से जमीन के दलालों के मुंह से सुना कि मालेगांव के बहुत बड़े बड़े सेठ लोग जो जमीन का धंधा करते हैं तो वो सामने वाले से तो 1 टक्का लेने का बोलते हैं लेकिन खुद आधा टक्का देते हैं दलाली। लेकिन खलील दादा वो शख्स थे जो स्टार्ट से आज तक वो सामने वाला क्या दे रहा है वो नहीं देखते थे, लेकिन खलील दादा अपने तरफ से 2 टक्का देते थे। कोई भी रात को देखने में आया कि जमीन के जितने भी ब्रोकर दलाल थे वो सब के सब इतने निर्वस्थ थे, उनका दिल उनकी आंख उनका दिमाग ये बात मानता ही नहीं था कि खलील दादा चले गए। कोई एक बार फोन करता था, किसी को मालूम पड़ता था खलील दादा का इंतकाल हो गया तो वो मुझे फोन करते थे या तो किसी और को जानते थे उसको फोन करते थे, यानी मेरे फोन पे भी इत्मीनान नहीं होता था, दूसरे को करते थे, दूसरे के फोन पे इत्मीनान नहीं होता, तीसरे को करते थे, यानी उसको ये यकीन ही नहीं होता था कि खलील दादा चले गए। हालांकि खलील दादा चले गए इसमें उसको क्या था, ये तो वो जाने, खलील दादा जाने और ऊपर वाला जाने। खलील दादा एक एक लोगों की जो मुस्तैक है जिसकी मदद करना चाहिए, जो दोस्त यार है उसकी मदद करते थे, उसकी मदद करते थे और ये ख्याल रखते थे कि कौन बाकी रह गया। जितने लोगों से मेरी बात हुई मैंने उनसे वादा किया मदद करने का, तो कौन बाकी रह गया वो ये ख्याल करते थे और वो अपने आदमी के दोस्त के जरिए से अपने यानी उनको बुला के देने के जरिए से यानी वो मदद बिल्कुल पहुंचाते पहुंचाते थे, भूलते नहीं थे कि किसी आदमी को आज वादा किए कि ठीक है किसी बच्ची की शादी है या कुछ मुसीबत में है या कुछ मसला है तो बोले ठीक है कल आके ले जाना, तो कल भूल नहीं जाते थे वो। कल अगर वो आदमी नहीं आ पाता था तो उसका घर ढूंढवा के उसकी मदद करते थे। खलील दादा की बहुत सारी खूबियाँ है। खलील दादा के साथ जब हम थे तो हमने करीब से खलील दादा को देखा और पहचाना कि भाई खलील दादा यानी इतने दिन के साथ में यानी 15 साल के ताल्लुक में कभी भी एक जर्रा बराबर भी तूतू मैमा नहीं, यानी कभी असलम भाई के अलावा असलम नहीं बोले, यानी इज्जत देने में बिल्कुल कोई तरह की कसर नहीं छोड़े, जबकि वो मुझसे बड़े थे लेकिन हमेशा असलम भाई बोल के बुलाए और हमेशा लोगों की फिक्र बताए और यही बोले कि यार लड़ाई झगड़ा बिल्कुल करो मत, किसी से बहस करो मत, अपना काम करो। वो बहुत खुशदिल आदमी थे, खुशमिजाज आदमी थे,
बहुत कम बोलते थे, बहुत ज्यादा काम करते थे। आज मालेगांव शहर में कोई महिला कहीं के लोग ऐसे नहीं है जिनको ये गम ना हो कि भाई खलील दादा का इंतकाल हो गया। बहरहाल अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके घर वालों को, शेख सफी खानवादों को सर्व जमील अता करे। इतने ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ताजियती प्रोग्राम के की नसीहत जो रखी गई है, आज से खलील साहब ने मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी रमजान महीने के अंदर बहुत ज्यादा उनका मेरी दुकान पे बैठना हो रहा था और वहां पे ना जाने किस तरीके से लोग आए और मदद किए। जब मैंने देखा उनको कि यार अल्लाह ताला ने शेख खलील साहब को बहुत दिल खोल के उन्होंने जो जकात उन्होंने अदा की, मैं शायद बोलता ऐसा कि मालेगांव शहर में शायद किसी ने किया होगा, क्योंकि एक मिसाल मेरी ऐसी है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंसान जब मजबूरी पे कोई बात ऐसी आती किसी सच्चाई के लिए तो बोलना चाहिए। तो कमालपुरे के जलील पहलवान, वो उस वक्त आए, माफी चाहूंगा अगर वो यहां बैठे होंगे, मैं किसी की इज्जत से खेलना नहीं चाहता, लेकिन जब वो आए कि यार दादा तुम 1,000 रुपये मुझको दो, वो आदमी सोनिया कॉलोनी से पैसे बांट कर आया और ना उसके हाथ खीसे में जो पैसे निकले तो वो 2,000 रुपये थे। बोले ले यार तू भी लेके चला गया, मेरा लड़का आया, मेरे लड़के को 2,500 रुपये उन्होंने दिए, मेरा बच्चा कल भी रोया, मेरा सच्चा दोस्त था, मैं उसको सच्चे दिल से मानता था, हमारे घर में भी इसका एहसास मेरी बीवी ने, मेरे को किसी को बताकर किसी को एहसान नहीं लेना है, जो मैं अल्लाह और उसके रसूल को जानकर बोल रहा हूं कि जो उसने एहसास देकर गया इस दुनिया से, तो कल से कसम खुदा की मेरे को भी जीने की तमन्ना नहीं रही। एक डर सता रहा है, एक झटका देकर चला गया ऐसा शख्स जिसके गुमान में नहीं, हादसे होते हैं नहीं होते ऐसे नहीं है, मौत हादसा ही मौत होती है, लेकिन जो हादसा ही मौत से खलील साहब ने देकर गए, तो शायद मैं मेरी जिंदगी में ये पहला और आखिरी हादसा था जो शायद अल्लाह कभी दिखाए भी ना किसी को। मैं खानवादा हाजी रफीक साहब और शेख रशीद साहब फैमिली खानवादे के साथ, मैं और मेरा परिवार और अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र की जानिब से इनके गम में हम बराबर के शरीक है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से खलील साहब की मफरत फरमाए और उनके कब्र को नूर से भर दे और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच आए हुए कारी अल्ताफ साहब, उलमा इकराम साहब, इस ताजियती प्रोग्राम के अंदर शहर से आए हुए सभी खलील भाई के साथी, हमारे अहले खाना से मोहब्बत करने वाले तमाम दोस्त अहबाब, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सभी लोगों के अंदर, उनके दोस्तों के अंदर, उनके साथियों में, हमारे भाइयों में खलील भाई की जो आदतें थी, अल्लाह ताला उसके अंदर हर लोग के अंदर, लोगों के अंदर अल्लाह ताला शामिल कर दे। हम भी खलील भाई को घर में रहते हुए, भाई बंद के अंदर रहते हुए उतना ही जानते थे जो हम देखा करते थे। लेकिन अल्लाह के करम से जब कल हम लोगों ने भी देखा, जब उनका
मुंबई के अंदर रो कब्ज हो गई मेरे भतीजे और भांजे और दूसरे भतीजों के हाथों में। आते समय उन्होंने मुझसे फोन का इत्तेफाकन मेरा वहां रुकना हो गया, जबकि एक दिन पहले खलील भाई से मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। माशाल्लाह एकदम खुश मिजाज और सेहत आप अल्लाह ने उनको दिखाया था मुझे, बल्कि यहां तक बात हुई कि जुमा के दिन उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना था। मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम शनिचर तक आप रुकिए और मैं भी मेरी आंखों का इधर डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहा हूं, शायद मेरा भी आंख का एक ऑपरेशन हो जाएगा, मैं साथ में चलेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और क्योंकि सभी को एक इस दुनिया से जाना है। आज खलील भाई गए मेरे भाई, कल हम और आप लोग जाने वाले हैं। लेकिन जब बच्चों ने मुझे बताया, देखो अल्लाह की एक मसलियत थी कि मुझे पास 4-5 दिन बाकी थे, मुझे निकल जाना चाहिए था, पीर का ऑपरेशन है मेरा, लेकिन मैं तबरेज वगैरह मेरे साथ में जो थे मैं जाने का, फूल भी 3 दिन यहाँ रहे लो, ऑपरेशन हो जाएगा फिर चले जाएगी, क्या मालूम था कि कल जब जुमा से फौरन बाद, जुमा के फौरन बाद बच्चों ने जब फोन किया कि बड़े अब्बा चाचा की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, मैं इत्तेफाक से उनके ही तरफ जा रहा था कि इनका फोन आया, बोले हम उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। मैं इत्तेफाक से फैशन पट पे था, मैं वहीं से बेटी से बेटी तरफ गुजर गया, ब्रिज पे चढ़ा और हॉस्पिटल चला गया। और इन लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ बच्चों ने उनको उनकी ही गाड़ी के अंदर लेकर हॉस्पिटल तक आए, और जब इन्होंने बताया कि पुलिस ने भी हमको मदद की कि हर सिंगल के ऊपर, जबकि प्राइवेट गाड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनको रास्ता दे दिया गया। बहरहाल आने के बाद में समझ में आया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कोशिश किया, डॉक्टर भी डिग्री होल्डर होता है, इंसान होता है, उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अल्लाह ने उनका वक्त पूरा किया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद में मेरे छोटे भाई और आशिफ भाई से बतलाया कि भाई ऐसे ऐसा हो गया, और बच्चों को भी तसल्ली दिया। डॉक्टरों से मैंने पूछा कि क्या ऐसा हो गया, सच है? बोले हाँ सच है। तो मैं ठीक है, आप प्रोसीजर की तैयारी करिए, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं साइन करके लेके जाऊँ। अब मुझे भी उस वक्त जरा उलझन हो रही थी, ये बच्चों को भी संभालना। फिर मैं आसिफ भाई को फोन किया कि फौरन तुम एक काम करो, किसी को फोन करो। तो इन्होंने इत्तेफाक से फिर वहीं के जिम्मेदार इंसान हमारे आमदार अनिल पटेल साहब को फोन किया, उनका फौरी तबरेज के मोबाइल पे फोन आया, तबीयत भतीजे के मोबाइल पे, और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई और अल्लाह करम से वो खुद भी आए, मुझे भी तसल्ली दिया, पुलिस स्टेशन में ही फोन किया और काम आसान हो गया। बहरहाल जब मुझे जो मालूमात मिली थी लोगों के, जब फोन आना शुरू हुए, जाहिर सी बात थी, जब मैं दो लोग को बता दिया तो धीरे धीरे वो बातें दोस्तों अहबाब में, भाइयों में, पहले खाना में सबको मालूम होते चले कि शहर भर में गश्त कर गई। और उसके बाद जब मैं मालूमात लेता हूं तो खलील दादा के घर से लेकर के रहमान के घर तक पूरे रास्ते पे बोले सब लोग चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैंने जैसे बोला कि हमने भी उतना ही देखा था जो अहले खानदान ने जो देखा था, लेकिन कल उनके गुजर जाने के बाद जब उनकी बातें हमने भी सुना तो यकीन जानो हमको भी ये बातें मालूम नहीं थी, बहुत ताज्जुब हुआ। और
गम जाने का तो गम रही, तो फितरती बात है इंसान की, लेकिन साथ साथ में खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला सही मेरे भाई को नेक बनाया था और अल्लाह ताला ने उनसे ऐसे कई नेक काम कर लिए, उनके हाथों से ले लिए। जाते समय बहुत सारी मुझसे भी बात हुई, मेरे छोटे भाई से भी हुई, आसी भाई से भी हुई, भतीजे लोग से, भांजे से भी हुई, उनकी वक्त से पहले दोस्त बिरादर आए उससे भी हुई, लेकिन कहीं उनके चेहरे पे ऐसा सिकन नहीं थी ना, हमके हमारे ख्याल में था, उनके खुद के ख्याल में था। लेकिन कुछ बातें इरफान अली ने इन्होंने सब बतलाया कि मौत है, भले ही मैंने 7 लाख की अगर नोज स्प्रिंग डाला हूं, लेकिन मौत आ सकती है। और देखो जैसे उनको पहले से ही अल्लाह ताला दिमाग में डाल दिया था और समझ रहा था उनको, बड़े मुझे भी बहुत सब्र हुआ, यहां लोग आप लोग को फिक्र पड़ी हुई थी कि मैं वहां हूं, बच्चे हैं, कि मेरी तो नहीं तबीयत बिगड़ रही है। मैं तो बोला ना, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, छोटा भाई था, मोहब्बत थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला के जरिए खलील भाई के जैसे दिल रखने वाले खलील भाई ने इतने साथियों को अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमारे हमको ऐसे खलील भाई दे दिया, उनके जितने साथी है कि हमको उसका इन्हें कल समझ में आया। तो बहरहाल खलील भाई के सही मानों में बहुत नेक काम समझ में आए कल। कलमा को भाई तो भाई, बाकी हिंदू भाई जो हमारे हम वतन है, आदिवासी भाई वो भी बोलते थे, रोते थे बोलते। और यही बात है जैसे उलमा इकराम ने बतलाया कि नेक इंसान की जब मौत होती है तो उसकी सच्चाई बताई जाती है, जो उसकी चर्चा होती है जो अच्छे कामों की, और वो हमको भी देखने मिला। और आप लोगों ने जो कल उनकी मोहब्बत दिखाई और हमारे अहले खाने के साथ मोहब्बत दिखाई, आप लोग कल 3:30-4 बजे तक कंटिन्यू, दिन से लेके जुमा के बाद से लेकर के सुबह 4 बजे तक डटे रहे, इसीलिए हमको भी सब्र हुआ, हौसला मिला पूरे अहले खाना को। और उन्होंने तो ऐसी तमाम चीजें बताई कि अल्लाह करम से बोले मेरे तरफ किसी का लेना नहीं है, जो कुछ है मुझे लेना है। तो बहरहाल उनकी जिंदगी अल्लाह करम से इतनी ही थी, हमारे बीच में मेरे दो भाइयों का भी पहले इंतकाल हुआ, आज ये तीसरे भाई का हुआ, कल हम लोग भी जाएंगे, इसी तरीके से सबको जाना है। बहरहाल उनकी कमी जरूर महसूस होगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई तरीके से। तो बहरहाल आप लोग आए, आप तमाम लोग ने अलग अलग जमातों ने, अलग अलग दीनी तंजीमों ने, शहर के तमाम हिंदू भाइयों ने जो हमको हिम्मत दी, तसल्ली दी, मैं आप तमाम लोग का मेरे अहले खाना की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे खलील भाई की मगफरत के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमामी उलमा इकराम, बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, आज आप लोग शेख खलील साहब की ताजियती नशिस्त पे आज यहाँ पर हमारे परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, गम का इजहार करने के लिए आप लोग यहाँ पर जमा हुए। मैं मेरी तरफ से
हाजी शेख सफी परिवार की तरफ से शेख रशीद साहब, मेरे चाचाओं, मेरे भाई, तमाम अहले खाना की तरफ से मैं कल शेख खलील साहब के इंतकाल के बाद जो मालेगांव शहर के नौजवान, शहर के बुजुर्गों, शहर के प्रॉपर्टी का, जमीन का व्यापार करने वाले दीनी, मजहबी, तालीमी, शहर के मजदूर, शहर के बुनकर, शहर के हर वो बिरादरी, हर तबके के लोग, और खुसूसी तौर पर कल आप लोगों ने भी और हमारे परिवार ने भी जो देखा कि बहुत बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की भी जो देहातों से आई, जो कैम समक्सर से आई, और बाहर गांव से दुलिया, चालीसगांव, नासिक, भिवंडी, बम्बई, पूना, खानदेश इलाके से बहुत बड़ी तादाद कल मैयत के अंदर आई, हमारे गम में बराबर के शरीक रहे। मैं तमाम ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं माइक हाथ में लेने का मेरा जो मकसद है, कल मैंने रात में 4 बजे मकान के पास जब सब कब्रिस्तान से आ गए, शेख खलील साहब के जो 7-18 घंटे रहा करते थे, चाहे उनकी गाड़ी के ड्राइवर, चाहे उनके साथ घूमने वाले, चाहे इस बाजू बैठा हुआ 15 साल का बच्चा, और उनके बहुत हमदर्द, बहुत ही साथ में रहने वाले भरोसेमंद, वो एक बाजू में खड़े रहकर अपने आंसू से रो रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं वो तमाम ही शेख खलील साहब के चाहने वाले हमदर्द नौजवान, तमाम ही उनके दोस्त अहबाब, सामने बैठे हुए तमाम ही दोस्त अहबाब, मैं आप लोगों को मेरे परिवार की तरफ से, शेख रशीद साहब की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से शेख खलील साहब आपसे मोहब्बत करते थे, आपको साथ लेकर चलते थे, इंशाअल्लाह जरूर उसके ऊपर अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं। बहरहाल शेख रशीद साहब ने तफसील बताई, सिर्फ 2 चीज मैं बताना चाहता हूं। एक चीज कि अकील चाचा को दो 3 रोज पहले उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि मेरा अब किसी को कोई देना, पैसा देना नहीं है मुझको, और किसी का ना मुझसे लेना है ना मुझे ना देना है। हाँ, लेकिन मुझको अपना व्यापारी धंधा हिसाब से बहुत सारा पैसा ले ले, लेकिन आप मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। आज उनके जाने के बाद आज हम लोगों का एहसास हो रहा है कि बात ये क्यों बोल रहे थे। और एक बहुत बड़ी चीज, बाकी तमाम ही लोगों ने अपनी बात रखी कि गरीबों के साथ, मुजाफात की बस्तियों के हमारे गरीब भाइयों के साथ उनका जो ताल्लुक रहा, यानी कल इस बात साबित हो गई कि वो कितने गरीबों के दिल के अंदर जाकर बैठे हुए। हमारे पूरे परिवार को इस बात का कल तक इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में रहते हुए 5000 स्क्वायर फीट का जमीन उन्होंने अलग करके गए और ट्रस्ट बनाकर गए, और ये अकील चाचा को और परिवार को उन्होंने बोले कि इसके ऊपर बच्चियों का यतीम खाना आपको बनाना है, और बोले पैसा किसी से चंदा जमा नहीं करना है, अपने परिवार के रुपया पैसा से अपने को
बच्चियों का यतीम खाना तामीर करना है और उसकी देखरेख पूरा परिवार करेगा। दूसरी बात, एक बड़ी मस्जिद की जमीन भी उन्होंने अलग करके गए वो अखिल चाचा को बताया कि ये मस्जिद की जगह रहेगी, यतीम खाने की जगह रहेगी, और ट्रस्ट भी बना चुके हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि खलील दादा खानदेश के अंदर दादा भाई को बोला करते, बड़े भाई को, हालांकि ये मंच नहीं है वो, लेकिन फिर भी नहीं, ये अलग बात है कि उनको बहुत अलग अलग तरीके से बदनाम किया गया, लेकिन कल मैयत के अंदर उनके चाहने वालों ने, उनके दोस्तों ने, गरीबों ने, जो लोग गलत इल्जाम लगाते थे, कल तमाम ही लोगों ने हमदर्दी के अंदर आकर वो दादा का लफ्ज मिटा दिया और वो बात को झूठ साबित कर दिया। मैं आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी दुआओं के अंदर शेख खलील साहब को याद रखें, हमारे परिवार के लिए भी दुआ करिए और शेख खलील साहब के लिए मगफरत की दुआ करिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और इंशाल्लाह हमारा परिवार आप लोगों के साना बसाना खड़ा रहेगा उसी तरीके से जिस तरीके से शेख खलील साहब किया करते थे।